और लोकसभा के दूसरे चरण के लिए मतदान आज सुबह से ही जारी है। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 88 सीटों पर वोटिंग आज हो रही है, यह बड़ी खबर। असम में सुबह 9 बजे तक 9.15% मतदान, यूपी में 11.67%, तो बिहार में 9.65% मतदान, कर्नाटक में सुबह 9 बजे तक 9.21% मतदान, और केरल में सुबह 9 बजे तक 11.09% मतदान, मणिपुर में सुबह 9 बजे तक 14.08% मतदान, राजस्थान में सुबह 9 बजे तक 11.77% मतदान, मध्य प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 13.87% मतदान हो चुका है। मतदान लगातार जारी है अलग अलग जगहों पर, यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दूसरे चरण के लिए मतदान जारी। उम्मीदवारों के लिए दूसरे चरण की 88 सीटों पर वोटिंग चल रही है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, जम्मू कश्मीर, केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में वोटिंग चल रही है। सुबह से ही लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है, लंबी लंबी कतारों में भी लोग लगे हुए दिखाई दे रहे हैं वोटिंग के लिए। तस्वीरें आप देखिए जम्मू कश्मीर और असम की, किस तरह से लंबी लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। मणिपुर में देखिए किस तरह से लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग लोग भी पहुंच रहे हैं, और छत्तीसगढ़ में भी लोगों में उत्साह है, सेल्फी पॉइंट पर जाकर के सेल्फी भी खिंचवाते हुए नजर आए कि मैंने वोट कर दिया है। तो प्राउड मोमेंट होता है हर वोटर्स के लिए जब वोट कर देते हैं, और कुछ वोटर्स हालांकि वोट डालने के लिए नहीं पहुंचते हैं मत केंद्रों पर, बूथों पर, हर किसी को अपना फर्ज निभाते हुए वोट करने जाना चाहिए। और वोट करने के लिए लोग पश्चिम बंगाल में भी आप देखिए किस तरह से बड़ी संख्या में लाइन में लग करके वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं। और पिछली बार की अगर बात करें, पहले चरण की अगर बात करें, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट हुआ था। और ये बड़े चेहरे आप देखिए, गजेंद्र शेखावत केंद्र में मंत्री, अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं राजस्थान के, वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री रही राजस्थान में, केसी वेणुगोपाल ये भी चुनावी मैदान में है। तो ये चार दिग्गज वोट डालने के लिए पहुंचे मतदान केंद्रों पर। राजस्थान में आज वोटिंग हो रही है 8 सीटों पर। अमित तिवारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं एक जानकारी के साथ। अमित, लगातार वोटिंग चल रही है सुबह से, ज्यादातर जगहों पर 10% के आसपास अभी तक, 9 बजे तक की अगर बात करें तो वोटिंग हो चुकी है, खासा उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों को। कई इलाके ऐसे थे जहां मतदान प्रतिशत पहले चरण में काफी कम रहा था, उम्मीद से कम रहा, इस वजह से इस बार ज्यादा कोशिश की गई है कि दूसरे चरण में जो मतदान का रुझान है, मतदान का उत्साह है, वो और ज्यादा बड़े मतदाताओं में, इसकी कोशिश चुनाव आयोग ने भी की है। और इसी यही अभी दिख रहा है, शुरुआती दौर में तो यही दिख रहा है कि मतदान प्रतिशत अच्छा आ रहा है। और देखिए, महत्वपूर्ण चुनाव है क्योंकि पहले चरण के बाद अभी दूसरा चरण है और इसमें 88 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। 5 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला आज मतदाता ईवीएम में कैद कर देंगे। और साथ साथ देखिए, राहुल गांधी है, वायनाड से चुनाव लड़ मैदान में है, शशि थरूर है, और खासतौर पर लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला का भी, जो आज ही उनके क्षेत्र के लोग भी उनके उनका भविष्य ईवीएम में कैद कर देंगे। उनका मुकाबला बीजेपी के ही पूर्व विधायक जो अब दल बदल करके आ गए हैं कांग्रेस में, उनके प्रहलाद गुंजन, उनके साथ मुकाबला उनका होने जा रहा है। तो ऐसे में एक खासतौर पर यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है और इसमें देखिए 88 सीटों पर यह मतदान होने जा रहा है और सुबह से ही रुझान अच्छे हैं। और राजस्थान की बात करें तो पहले चरण में 12 सीटों का पर मतदान हुआ था, अब 13 सीटों को इसमें शामिल किया गया दूसरे चरण में। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में, केरल की बात करें, वहां की तिरुवनंतपुरम सीट है, वायनाड सीट है वहां का, और मथुरा है, मथुरा सीट है जहां से हेमा मालिनी कुछ चुनाव मैदान में है। तो इस तरह से कई दिग्गजों के भविष्य का फैसला जो है ईवीएम में आज मतदाता कैद कर देंगे। और अभी शुरुआती तौर पर उत्साह लग रहा है, देखने वाली बात है कि जो अब नए जिस प्रकार से रुझान, जितने मतदान प्रतिशत आएगा उस हिसाब से पता चलेगा कितना ज्यादा उत्साहित होकर मतदाता इस लोकतंत्र के इस पर्व में अब मतदान में अपनी भागीदारी कर रहे हैं। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, नजर बनाए रखिएगा अमित।
लगातार वोटर्स मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। दूसरे फेज का आज मतदान हो रहा है।